Good morning friends, again welcome to my channel Dinesh Kaushik Tutorials. Now noun part 3 hum karte hain aur noun part pehle aapne noun part 1 and noun part 2 kiya tha aur I hope aapko wo pasand aaya hoga aur ab hum noun part 3 isme karenge. Isme bahut sare noun aise hote hain jo exam oriented hain but unka singular mein meaning kuch aur hota hai. Singular matlab uncountable hai, लेकिन अगर उनका प्लूरल अगर बना दिया जाए तो उनका मीनिंग कुछ और बन जाता है. तो इसमें हमने देखना है सबसे पहले अब्यूज. अब्यूज, अब अब्यूज का मतलब गाली होता है. नाउन पार्ट 1 में हमने किया था तो इसको अब्यूजेस हम कर नहीं सकते हैं और ये अनकाउंटेबल है. लेकिन अगर इसको हम अब्यूजेस लिख देते हैं अब्यूजेस तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है. इससे और इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये इसका प्लूरल रूप नहीं है. अब्यूसेस इज द सिनोनिम ऑफ सोशल एविल्स. ये सोशल एविल्स का सिनोनिम है. जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हेन वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स देयर वर मेनी अब्यूसेस इन आवर सोसाइटी. तो बहुत सारी सोशल एविल्स थी, सामाजिक बुराइयां थी, तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है. नेक्स्ट एडवाइस. एडवाइस पार्ट 1 में हमने किया था, इसका मतलब होता है जैसे हम एडवाइस देते हैं, किसी को सलाह देते हैं. बट अगर इसको हम ये लिख देते हैं एडवाइजेस, तो इसमें और इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है और ये प्लूरल हो नहीं सकता एडवाइस क्योंकि अनकाउंटेबल है. बट एडवाइजेस का मतलब होता है सूचनाएं, इंफॉर्मेशन की सेंस में ये आता है. तो ये एडवाइजेस ही लिखा जाता है. इसमें और इसमें बिल्कुल अलग फंक्शनल अप्रोच है. नेक्स्ट इज गुड. गुड जैसे हम ये बोलते हैं यू लुक गुड, इस सेंस में भी ये गुड होता है. बट अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं गुड्स, तो इसमें और इसमें किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं है. ये एक अलग है, ये अलग है. गुड्स का मतलब होता है सामान, जैसे घर में सामान होता है. I sent many goods from Delhi. तो मैंने बहुत सारा सामान भेजा. तो इसकी फंक्शनल अप्रोच अलग है, ये अलग है, लेकिन एक दूसरे की जगह पर यूज होते ही सारा का सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. लाइक फोर्स. फोर्स, अब फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत होता है. यानी जैसे आई हैव फोर्स टू लिफ्ट 50 kg, मेरे अंदर 50 kg वेट उठाने की ताकत है. बट अगर इसको हम ऐसे लिख देते हैं फोर्सेस, अब फोर्सेस का मतलब सेनाएं होता है, मतलब इस फोर्स का मतलब ताकत है. अब ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फोर्स को हम देख नहीं सकते. लेकिन अब ये प्लूरल तो बन नहीं सकता, बट फोर्सेस जहां पर भी लिखा जाएगा वो सेना को प्रेजेंट करेगा. अब एग्जामिनर किस तरीके से मिस्टेक बनाता है, जैसे इंडियन फोर्स लिखता है वो, लेकिन इंडियन फोर्स की जगह पर क्या आना चाहिए, इंडियन फोर्सेस आना चाहिए. तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है. नेक्स्ट वर्ड आयरन. आयरन एक मटेरियल नाउन है जिसको हम प्लूरल बना नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं आयरन्स, तो आयरन्स इज द सिनोनिम ऑफ चेन्स. जो बेड़ियां जो होती हैं, जो क्रिमिनल्स वगैरह को हाथ में और पैर में जो जकड़ कर रखते हैं, तो उनको आयरन्स बोलते हैं. अब आयरन इज अ वेरी हार्ड मेटल, ऐसे तो पॉसिबल है, बट आयरन्स इज ए हार्ड मेटल पॉसिबल नहीं है. बट क्रिमिनल्स आर पुट इन आयरन्स, तो वो बेड़ियों में रखे जाते हैं. तो ये सेंस इसके साथ बनेगी, एक दूसरे की जगह पर यूज होते ही ये गलत माना जाता है. नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं वर्ड. वर्ड एक तो ये वर्ड है भी, वन वर्ड इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, लेकिन इस वर्ड की बात नहीं कर रहे हम. एक वर्ड का मतलब होता है जो प्रॉमिस की सेंस में यूज होता है, प्रतिज्ञा की सेंस में यूज होता है. जब इस वर्ड का मतलब प्रतिज्ञा की सेंस में होता है तो कभी भी ये वर्ड्स नहीं हो सकता. जैसे मैं बोलूं आई एम गिविंग यू माई वर्ड, आई कैन डेफिनेटली डू योर वर्ड, तो इसका मतलब है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मैं आपका काम करूंगा. या जैसे आई ऑलवेज स्टिक टू माई वर्ड, मैं हमेशा अपनी जुबान पर खड़ा रहता हूं, तो ये वर्ड्स नहीं हो सकता. तो आई नेवर ईट माई वर्ड,
इसका मतलब है मैं अपनी जुबान से कभी नहीं फिरता, तो ये वर्ड्स कभी नहीं होगा जिस वक्त ये प्रतिज्ञा की सेंस में होता है। लेकिन अगर हम इसको ये लिख देते हैं वर्ड्स, तो फिर तो ये है कि मैनी वर्ड्स आर रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो ये सारे वर्ड्स ही हैं, तो ये इसकी एक अलग सेंस बन जाते हैं। नाउ मैनर, अब ये जो मैनर है, अब इस मैनर का मतलब होता है तरीका, वे, किसी भी काम को करने का तरीका। जैसे कोई भी जो वेजिटेबल बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, या किसी काम को करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो मैं क्या बोलूंगा, यू हैव अ गुड मैनर टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स या कुछ भी। लेकिन इसको अगर मैं मैनर्स लिखता हूं, मैनर्स, तो मैनर्स का मतलब क्या हुआ, यानी ये इससे इसका कोई मतलब नहीं बना, ये बन गया शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब क्या होता है, he has right manners how to attend their elders, तो अपने elders को कैसे वो शिष्टाचार यानी उनको वेलकम करता है, तो ये उस सेंस में जाता है। एक दूसरे की जगह पर यूज होते ही ये गलत माने जाएंगे। Now, next. नेक्स्ट अल्फाबेट, अल्फाबेट। अब अल्फाबेट हमें पता है, जैसे इंग्लिश में ए बी सी डी, अगर इनको सीक्वेंस में लिखा जाता है तो हम उनको अल्फाबेट बोलते हैं। जैसे देर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो जिस वक्त ए बी सी डी यानी 26 लेटर की बात करेंगे तो ये अल्फाबेट्स कभी नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम अल्फाबेट्स लिखते हैं, अल्फाबेट्स, तो अल्फाबेट्स इज द सिनोनिम ऑफ लैंग्वेजेस, ये लैंग्वेजेस का सिनोनिम है। जैसे आई नो थ्री अल्फाबेट्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई नो थ्री लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ए बी सी, नो, इसका मतलब है आई नो थ्री अल्फाबेट्स मींस आई नो थ्री लैंग्वेजेस। एक दूसरे की जगह पर यूज होते ही ये भी गलत माना जाएगा। नेक्स्ट स्पेक्टिकल, एक स्पेक्टिकल होता है। जैसे एक तो जब हम चश्मे यानी गोगल्स की सेंस में जब बात करेंगे तो ये 100% स्पेक्टिकल्स होता है, स्पेक्टिकल नहीं होगा, पार्ट टू में मैंने आपको अच्छे से बताया। लेकिन एक स्पेक्टिकल का मतलब होता है व्यू, नजारा जिसको हम बोलते हैं, तो जिस वक्त इसका मतलब व्यू होता है, नजारे की सेंस में आएगा, तो ये 100% स्पेक्टिकल ही रहता है। जैसे लास्ट ईयर आई वेंट टू माउंट आबू, द स्पेक्टिकल ऑफ माउंट आबू इन द इवनिंग वॉज वेरी चार्मिंग, तो उसका नजारा बहुत अच्छा था इवनिंग में, तो स्पेक्टिकल होगा। लेकिन अगर इसको हम ये लिखते हैं स्पेक्टिकल्स, तो स्पेक्टिकल्स का मतलब तो फिर हमारे चश्मे होता है, तो ये प्लूरल वर्ड है और प्लूरल हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब के साथ आएगा, तो दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी हमने समझ लेना है। नेक्स्ट एयर, अब एयर जैसे हवा के लिए हम बोलते हैं हवा के लिए, और ये एक मतलब इसको एयर हम बोल नहीं सकते, ये काउंटेबल नहीं है, बट अगर हम ये बोल देते हैं एयर्स, तो एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण, जैसे हम दिखावा करते हैं, ये उस सेंस में होता है। जैसे हम ये बोलेंगे डोंट पुट ऑन एयर्स अदरवाइज आई विल हैव टू क्लिप योर विंग्स, ज्यादा हवा में मत उड़ो नहीं तो मुझे आपके पंख काटने पड़ेंगे, तो ये दिखावटी आचरण की सेंस में होता है। अब एयर की जगह पर एयर्स लिखेंगे सेंटेंस गलत हो जाएगा, और एयर्स की जगह पर एयर लिखेंगे तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये भी हमने समझना है। नेक्स्ट पेन, पेन जैसे हमें पता है पेन दर्द होता है, इसका मतलब जैसे आई हैव पेन इन माय हेड, तो बहुत दर्द है, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पार्ट वन में हमने किया था कि ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको पेन्स कर देता हूं, पेन्स, तो ये एक अलग वर्ड है जो इसकी जगह पर यूज नहीं होगा। पेन्स का मतलब होता है एफर्ट्स, प्रयास, यानी मैंने बहुत सारा आई हैव टेकन पेन्स टू डू दैट वर्क, तो मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं इस काम को करने के लिए। एक दूसरे की जगह पर यूज होते ही इसको हम गलत कर देंगे, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लुक, अब लुक वर्ब है, जैसे आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट मी, तो ये वर्ब की सेंस में यूज होता है, तो
अगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही शी के साथ यूज करें तो लुक हो सकता है, लुक्स हो सकता है, बट वो तो वर्ब की सेंस में रहेगा। बट एक नाउन की सेंस में अगर आप इसको देखते हैं तो ये लुक्स कैसे लिखा जाएगा? तो इस लुक्स का मतलब होता है फीचर्स, फीचर्स। जैसे मैं बोलूं द लुक्स ऑफ कटरीना कैफ आर वेरी ब्यूटीफुल, तो लुक्स यानी फीचर्स, उसके नए नक्श की बात हो रही है। तो एक दूसरे की जगह पर यूज होते ही ये भी एक गलत माना जाएगा। नाउ रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न एक वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मतलब वापस आना होता है, तो ये वर्ब है। लेकिन अगर इसको हम लिख देते हैं रिटर्न्स, तो रिटर्न्स का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है नाउन की सेंस में। नाउन की सेंस में इसका मतलब होता प्रॉफिट, जो लाभ जिसको हम बोलते हैं, तो एक दूसरे की जगह पर यूज नहीं होंगे, ये भी आपने समझ लेना है। और जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो रिटर्न नहीं हो सकता, फिर तो वो रिटर्न्स ही हमें लिखना पड़ेगा सेंटेंस में। नेक्स्ट, जैसे हम बोलेंगे वुड, वुड लकड़ी को हम बोलते हैं, तो जैसे मेटेरियल नाउन है वुड, जैसे फर्नीचर, ऑल द फर्नीचर इज मेड, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड होता है। तो लेकिन अगर इसको हम वुड्स बोल देते हैं, वुड्स, तो ये फॉरेस्ट का सिनोनिम है, जंगल जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक दूसरे की जगह पर यूज नहीं होगा, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वाटर, वाटर वर्ब भी है, जैसे आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, तो मैं प्लांट्स में पानी दे रहा हूँ, और आई एम टेकिंग वाटर, जिस वक्त मैं बोलता हूँ आई एम टेकिंग वाटर, तो ये एक नाउन है। तो नाउन है और लिक्विड चीजें ऑलमोस्ट हम मेटेरियल नाउन में काउंट करते हैं। तो लेकिन अगर इसको मैं ये लिखता हूँ वाटर्स, तो इस वर्ड और इस वर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये सी का सिनोनिम है, सी। अब ये किस तरीके से यूज होगा ये भी देखना है। जैसे हैप्पी न्यू ईयर एक मूवी आई थी, उसमें शाहरुख खान है, वो प्लान बनाता है कि हम ये हीरे या डायमंड यहाँ से चुराएंगे, और चुराने के बावजूद हम इस जगह पर मिलेंगे, उस बोट से हम निकल जाएंगे, और थोड़ी देर के बाद हम इंटरनेशनल वाटर्स में होंगे। इंटरनेशनल वाटर्स बोलता है वो उस वक्त, तो वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब होता है समुद्र का वो हिस्सा जो जिस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है, तो इसलिए वो इंटरनेशनल वाटर्स होता है, वाटर नहीं बोलता है। नेक्स्ट, सैंड, सैंड जैसे हम बोलेंगे, जैसे रेत को हम बोलते हैं, और इसका एक अलग मीनिंग होता है, लेकिन अगर इसको हम सैंड्स बोलते हैं तो ये एक फॉरेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा, फॉरेस्ट, तो सॉरी फॉरेस्ट बोल रहा हूं मैं, डेजर्ट का, जिसको रेगिस्तान बोलते हैं, डेजर्ट का सिनोनिम हो जाएगा, यानी इनमें कोई ज्यादा कनेक्शन होता नहीं है। तो जैसे नेक्स्ट है कॉपर, जैसे कॉपर, कॉपर एक मेटेरियल नाउन है, तांबा जिसको हम बोलते हैं, वायर इज मेड ऑफ कॉपर, तो ये कॉपर्स कभी नहीं होगा, बट इसको अगर हम कॉपर्स करते हैं, कॉपर्स, तो ये क्वाइंस का सिनोनिम है, क्वाइंस मेड ऑफ कॉपर्स, जैसे आई हैव मेनी कॉपर्स, तो इसका मतलब है मेरे पास कुछ ऐसे सिक्के हैं जो क्वाइंस से, मतलब जो कॉपर से बने हैं, तो ये हमने इसमें देख लिया। और कुछ वर्ड हैं जो काफी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, तो उसके बारे में भी मैं उसमें से आपको कुछ बताता हूं, जैसे एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इसको भी समझना है, नाउन है। एयरक्राफ्ट को कभी भी हम एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते, ये प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये इससे पहले आप वन लिखेंगे तो भी ये एयरक्राफ्ट रहेगा, और इससे पहले आप 10 लिखेंगे तो भी ये एयरक्राफ्ट रहेगा, एग्जामिनर एयरक्राफ्ट कर देता है, जो पॉसिबल नहीं है। जैसे देयर इज वन एयरक्राफ्ट और देयर आर 5 एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट कभी नहीं होगा, यानी एस नहीं लगेगा, इसको भी आपने समझ लेना है।
नेक्स्ट हमने इसमें देखना है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग भी एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड है, इसको भी हमने देखना है। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग संतान के लिए यूज होता है, जैसे संतान जो होते हैं, तो वो ये एक सिंगुलर या प्लूरल में सेम रहता है, यानी ये ऑफस्प्रिंग्स कभी नहीं होगा, ये ऑफस्प्रिंग ही होता है, जैसे फाइव ऑफस्प्रिंग या वन, इस तरीके से ऑफस्प्रिंग्स नहीं कर सकते हैं, इसको भी आपने समझ लेना है। नेक्स्ट एक वर्ड है जैसे कंटेंट। अब ये एक वर्ब भी है और नाउन भी है भाई, कंटेंट। लेकिन जब हम इसमें टॉपिक्स के सेंस में यूज करेंगे, टॉपिक्स की सेंस में, तो कंटेंट्स होता है, कंटेंट्स। जैसे जैसे हम कोई भी बुक ओपन करते हैं तो उसमें टॉपिक्स क्या है, तो कंटेंट्स लिखा होता है। तो आई डिड नॉट सी द कंटेंट्स ऑफ दिस लेटर, तो वहां पर कंटेंट नहीं होगा, तो उसमें अलग अलग सूचना क्या लिखी हुई है या किस तरह की इंफॉर्मेशन या टॉपिक से रिलेटेड बातें हैं, तो वो उस सेंस में कंटेंट्स ही रहेगा, कंटेंट नहीं होगा। नेक्स्ट अब इलेक्ट्रोरेट की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोरेट क्या होता है ये भी हमने देखना है। इलेक्ट्रोरेट ये प्लूरल वर्ड है, इसको इलेक्ट्रोरेट्स नहीं कह सकते। और वाटर्स, इसका मतलब होता है वाटर्स, ये भी हमने समझ लेना है, यानी क्लियर है। इलेक्ट्रोरेट एस नहीं लगाएंगे, इसलिए वाटर्स का सिनोनिम होता है। नेक्स्ट अब जैसे समन्स, ये भी काफी एग्जाम में आया है, एसएससी के एग्जाम में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि अगर इसके साथ एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल वर्ड है, तो ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये सिंगुलर है। समन्स के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग या लिंकिंग वर्ब आएगी, तो अगर बट इसको प्लूरल बनाना है तो ये समन्सेस यानी ई एस इसके साथ लगेगा, तभी ये प्लूरल हो पाएगा। ये भी आपने समझ लेना है कि समन्स एक सिंगुलर होता है। तो इस तरीके से ये वर्ड है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से एग्जामिनर जो है मिस्टेक करता है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, ये मैंने कुछ आपको बताया है। आई होप आप इसको पसंद करेंगे और इसको इजीली आप इसको याद भी रख पाएंगे, काफी एग्जाम ओरिएंटेड भी है। थैंक यू।